बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार इन दिनों अपने फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में उत्तराखंड में है। इस बीच शाम को अक्षय कुमार ने पुलिस लाइन पहुंचकर पुलिस कर्मियों के साथ वॉलीबॉल मैच खेला और जवानों की हौसला अफजाई की। आरती वर्मा और आप देख रहे हैं दखल न्यूज। जी हाँ, आपको बता दूं इस वक्त मैं मौजूद हूँ देहरादून पुलिस लाइन में और हमारे बीच मौजूद है बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार जी, जो कि मैंट्री मैच के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। बॉलीवुड मैंट्री मैच यहाँ पे मिलते मैच जो है जारी है। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से तस्वीरें आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अक्षय कुमार जी बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार जी हमारे बीच पहुंचे हैं। देख सकते हैं आप कितनी दूर हमारे चैनल के माध्यम से तस्वीरें पुलिस लाइन देहरादून से मैंट्री मैच जोरों पर जारी है। सभी में उत्साह काफी खुशी देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दखल न्यूज के माध्यम से पुलिस लाइन देहरादून से। चेयर अब थोड़ा सा कम हो रहा है, सब लोग एक बार जोरदार चिल्लाएंगे। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार ने दून के रेल पुलिस लाइन पहुंचकर पुलिस कर्मियों के साथ वॉलीबॉल खेला। पुलिस जवानों के साथ एक शाम कार्यक्रम में शामिल होकर अक्षय कुमार ने पुलिस अधिकारियों के साथ वॉलीबॉल मैत्री मैच में अधिकारियों को मात दी और अपनी फिटनेस से सभी को चौंका दिया। इसके साथ ही अक्षय कुमार ने ऑर्केस्ट्रा के साथ गाने भी गाए। इस दौरान पुलिस लाइन का मैदान दर्शकों से खचाखच भरा था। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।